हेलो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउन संज्ञा। दिस इज द इंग्लिश ग्रामर क्लासेस एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन। तो नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ओके, तो जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मोहन टीचर, स्कूल, दिल्ली। तो यहां पे जो है मोहन टीचर, स्कूल, दिल्ली, पर्सन, प्लेस और थिंग्स को दिखा रहा है। अब है काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। लेट्स लुक एट फर्स्ट प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? किसी खास प्यूपल से वस्तु का जो बोध होता है, जैसे श्वेता पटना। ठीक है, अगला है कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? किसी प्यूपल, प्लेस और थिंग्स का जिसमें जिक्र होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, कॉलेज। अगला है कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो जिससे किसी पीपल, थिंग्स और एक बंचेस का बोध होता है, एक समूह का बोध होता है, बंचेस ऑफ पीपल। जैसे फैमिली, पूरा बंचेस ऑफ पीपल होते हैं। कमिटी में पीपल का बंच होता है, झुंड होता है वहां पर। आर्मी में होता है, फिर ज्यूरी में होता है। इसी तरह जहां पर भी एक बंच में आदमी रहे, इंसान रहे, औरत रहे, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? जैसे इसमें किसी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, स्टेट मींस अवस्था को दिखाता है। जैसे ब्रेवरी मतलब कोई बहादुर है तो उसका क्वालिटी है, विजडम है तो उसका क्वालिटी है, हॉनेस्टी है तो उसका क्वालिटी है। अगर कोई गरीब है तो उसका अवस्था है, अमीर है तो उसका अवस्था है, एक्शन है जैसे मारपीट कर रहा है वो उसका एक्शन है। ठीक है, अगला है मटेरियल नाउन। तो व्हाट इज मटेरियल नाउन? जिसमें किसी मैटर्स का बोध होता है। द नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, शुगर, इटीसी। अब है नाउन्स में कितने नंबर्स हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। वन इज सिंगुलर नंबर, जिसमें किसी सिंगल पर्सन का बोध होता है, जैसे ए बॉय, ए बुक, इसमें से सिंगल पर्सन का बोध होता है। ओके, अगला है प्लूरल। इसमें से किसी, जब टू और टू से अधिक पीपल्स का बोध हो तो उसको हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं, जैसे टू बॉयज, थ्री बुक, इस टाइप का। अब है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या होता है कि का जिसमें से बोध होता है, जैसे कोई भी शब्द है जिसके लास्ट में क, जैसे सी एच का प्रोनाउंसिएशन होगा क, अगर होगा तो उसके लास्ट में हम लोग एस लगाते हैं। अगर उसके बाद है ऑक्स तो ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सेन। ठीक है, अब है कि अगर y के पहले कंसोनेंट हो तो y को हटाकर i आ जाता है। जैसे मान लीजिए आर्मी है, आर्मी है, इसके लास्ट में y है, तो ये y कन्वर्ट होके आर्मीज में आ जाएगा, इसके लास्ट में is आ जाएगा। ओके, जैसे उसके बाद है लग्जरी, तो लग्जरी के लास्ट में y होता है तो उसके लास्ट में आईएस आ जाएगा, लग्जरीज। अब यहां पे है कि जिसके लास्ट में वो हो, मान लीजिए कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वो हो, जैसे इको, इसके लास्ट में वो है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल में इकोज, ईएस लग जाता है, हीरोज। ठीक है, जैसे एक मूवी है, एक हीरो है, हीरो,
दो मूवी है हीरोज इस टाइप का। अब है नाउन के पहले ओ हो और उसके पहले वॉवेल हो, जैसे किसी भी नाउन के पहले ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो, तो यहां पे हम लोग देखते हैं बैम्बू, बैम्बू में क्या है डबल ओ है, ओ वॉवेल क्या है ए ई आई वो यू, ये वॉवेल है, बाद बाकी जितने से लेटर्स आते हैं वो कॉन्सोनेंट है, तो बैम्बू तो यहां पे क्या हो जाता है एस लग जाएगा लास्ट में बैम्बूज, पोर्टफोलियो यहां पे है तो पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा पोर्टफोलियोज। अब है नाउन से पहले एफ या एफई, मान लीजिए नाउन से पहले एफ है तो लाइफ का क्या हो जाएगा लाइफ्स, थाइप्स, नाइफ का नाइफ्स, ये टाइप एंड सो ऑन। द लास्ट टॉपिक इज नाउन के लास्ट में फुल, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में फुल हो जैसे हैंड फुल, यहां पे फुल ये पे है, यहां पे फुल ये है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा हैंड फुल्स, इसके आगे में एस लग जाएगा, माउथ फुल उसी टाइप का है। ओके नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल फैक्ट्स ऑफ नाउन, व्हाट इज स्पेशल फैक्ट्स ऑफ नाउन, जैसे कि है कि सम नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे बैगेज, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोन, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, आयरन, ब्रिड, अब्यूज, बिजनेस, द सीनरी ऑफ झारखंड, अगर हम सीनरी की बात करें तो होगा द सीनरी ऑफ झारखंड। ओके नेक्स्ट, सम नाउन लुक्स ए लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, कुछ नाउन प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, आपको लगेगा कि ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, मैथमेटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, यहां पे अगर आप पहले देखेंगे तो पाएंगे कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, जबकि नहीं, यहां पे ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है। ओके ये सिंगुलर को दर्शा रहा है। अगेन सम नाउन इन सिंगुलर फॉर्म बट एज प्लूरल, मतलब कुछ नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, जैसे शिप, फिश, डियर, सीरीज, स्पीसीज, हेडक्वार्टर्स, इसमें क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों का फॉर्म सेम होता है, एक जैसा होता है। उसके बाद है सम नाउन ऑलवेज रिमेन्स इन प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं, जैसे पेंटालूम्स, थैंक्स अगर हम किसी को बोलते हैं, आर्म्स, प्रोसीड्स आगे बढ़ना, कंटेंट्स, ये जो होता है हमेशा ये प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। अगेन सम नाउन टू प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन के दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, जैसे ब्रदर्स, तो ब्रदर और ब्रदर्स दोनों एक ही मां बाप के, सेम फादर सेम मदर के संतान होते हैं तो उसको हम लोग ब्रदर्स कहते हैं। तो जैसे इसमें अगला है स्टाफ, स्टाफ का क्या है स्टाफ्स, मतलब एक ही कंपनी के स्टाफ हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं तो सिंगल कंपनी को दर्शा रहे हैं, लेकिन वो जो स्टाफ्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में है। अगला है सम नाउन सिंगुलर में डिफरेंट और प्लूरल में डिफरेंट होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में डिफरेंट होते हैं और प्लूरल में डिफरेंट होते हैं, सेम वर्ड के, वर्ड सेम होता है लेकिन वो सिंगुलर में डिफरेंट है और उसी शब्द का माने
प्लूरल में डिफरेंट हो जाता है, जैसे एयर हवा, एटमोस्फेयर, एयर का हो जाएगा एटमोस्फेयर, तो सेम चीज है लेकिन सिंगुलर में डिफरेंट है, ये वायु है और एटमोस्फेयर ये वातावरण है, टोटल पूरा सिस्टम आ जा रहा है इसमें, ठीक है। अब है गुड्स तो थिंग्स, अब है गुड अच्छा तो बेनिफिट, अब है एडवाइस सलाह तो काउंसिल, इस टाइप का है। थैंक यू।